देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेंसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर सेंसी न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इमलिया चट्टी जोन के नुआ, जरहा, दरियापुर आदि गांव में चौपाल का कार्यक्रम हुआ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। जब भी आपके काम जो नहीं हो रहे, गांव में केवल नौजवान साथियों की सक्रियता का कारण भी है। जिन गांव में लोग सक्रिय नहीं है, चीजें हैं वो सारी चीजों का आवेदन करना है। आप अपने गांव में लोकसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है, विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है, जिला पंचायत में पक्ष और विपक्ष होता है, ब्लॉक में पक्ष और विपक्ष होता है, गांव सभा में जो मेंबर चुने जाते हैं या जो आदमी जीत जाता है, जितने लोग हार जाते हैं वो हारने के बाद अपने मतदाता जो उन्हें मिले, प्रधान तो उनसे दुर्भावना करता है कि तुमने फलाने को वोट दिया था, तुमने समझने की कोशिश, आप जानने की कोशिश करो। मरम्मत दिखाने का काम किया है। अगर जहां विपक्ष नहीं है, 47 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के हैं, 19 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, सवा 300 विधायक आप सब ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बनाए, लेकिन फिर भी वो अपनी बात सदन में उठाते हैं। गांव सभा की खुली बैठक में आपने कभी संघर्ष किया? गांव में भलाई बुराई को डरते, बैठक नहीं, उसका नियम है, उसका कानून है। उस कानून का अगर पालन करके डीपीआरओ को, डीएफओ को लिखित शिकायत करो। 15 साल तक ब्लॉक प्रूफ के रूप में भी सेवा किया है, इसलिए मुझे पंचायत का जानकारी है। आपकी अज्ञानता, आपकी निष्क्रियता, आपके गांव में भलाई बुराई ना हो, इसी का परिणति है कि गांव में गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं अगर कोई रह गया है तो गांव के ही लोग जिम्मेदार होते हैं, और वो लोग होते हैं जो सक्रिय राजनीति करते हैं। लेकिन कोई एमएलए और एमपी आपकी मदद इस बात की कर सकता है, अधिकारी से कह, फिर भी अगर प्रैक्टिकल के रूप में अगर आपको अपनी गांव सभा में देखना हो तो मुझे 3 महीने का समय देना, आपको सब चीज दिखने लगेगी और ऐसा महसूस होने लगेगा। अगर ये चिंता, अगर सड़कों की चिंता किया होता कि मिर्जापुर हमारे मुख्य मार्गों से जुड़े और एनएच से जुड़े, ताकि लोगों को आकर आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, और यहाँ किसानों की अगर रोड बनेगी, सड़कें बनेंगी, सड़कें चौड़ी बनेंगी, तो यहाँ के किसानों के जो खेती है उसकी जमीनों के मूल्य बढ़ेंगे और किसान खुशहाल होगा। अगर किसानों की चिंता किया होता तो इसके पहले ये रोड बने होते। पानी की सिंचाई के लिए जिस तरीके से आपकी योजनाएं आपके गांव से भी गुजर के जा रही होगी, अगर इन योजनाओं पर ठीक से काम हुआ होता तो किसानों की और बेहतर व्यवस्था हुई होती। कोशिश उन्होंने की है, उन्होंने पूरा प्रयास आपके लिए किया है। मोदी जी ने आपके देश लेवल में जिस तरीके का विकास किया, गरीब आदमी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ गरीब आदमी अपना किसी के घर में, अगर किसी के गार्जियन माँ बाप अगर बीमार होते थे, अगर गरीबी के कारण अगर नर्सिंग होम में अगर 2-3-4 लाख रुपए का खर्चा होता था तो गरीब आदमी अपने माँ बाप को घर ले आता था। गांव के ही डॉक्टर से कुछ ना कुछ दवा दिला करके केवल उसकी जीवन लीला समाप्त होने का इंतजार करता था गरीबी के कारण। अगर इसकी किसी ने चिंता किया तो देश के प्रधानमंत्री ने चिंता किया कि गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड दे करके 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक का इलाज अब गरीब भी आदमी का घर का आदमी करा सकता है, इसकी व्यवस्था की सरकार ने। आप क्या तमाम लोगों को गोल्डन कार्ड मिला होगा, और जिन लोगों को गोल्डन
सूची बन रही है, आने वाले समय में उन्हें भी